दोस्तों, मैं इस बैलेंस सर और आप देख रहे हैं हमारा यूपी लाइव 100 न्यूज। यूपी लाइव 100 न्यूज में आज सभी दोस्तों का स्वागत है। देश भर की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ बने रहिए सिर्फ यूपी लाइव 100 न्यूज पर। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, अधिकारियों ने किसान को सिखाया खेती का तरीका। बांदा जनपद के विकास भवन परिसर में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को जिला के बताया गया। अधिकारियों ने किसान के गुरु सिखाते हुए कहा कि फसल की कटाई हो जाने के बाद मिट्टी का नमूना लेकर जांच कराए और नमूना लेते समय ध्यान दें कि खेती की मिट्टी बनावट रंग और उत्पादकता के आधार पर जांच ले। खेती की अधिक ऊंची जगह नीचे जगह के नमूने नहीं लेना चाहिए। मसूर की पर खेती में 25% प्रोटीन होती है, 2 मन मुट्ठी की इसीलिए उत्पादक होती है। ध्यान के लिए फसल काटने के बाद मसूर की खेती की जा सकती है। मसूर की सिंचाई फूल आने के पहले करनी चाहिए। धान की खेती में बोए गए मसूर की फसल में यदि वर्षा ना हो तो एक सिंचाई फसल बनाने के समय करनी चाहिए। बांदा से अनुराग तिवारी की रिपोर्ट। ताज़ा तरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए।